तो मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटर एंड गेजेस। इसके पहले मैंने ऑलरेडी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और गेजेस के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे रेगुलर प्रैक्टिस है वैसे सेम पैरामीटर है, कंपैरेटर है और यहाँ पे गेज है। तो इसके पहले डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले आपको कि कंपैरेटर क्या होता है और गेज क्या होता है ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कि जैसे कंपैरेटर मैंने क्या किया है, डायल इंडिकेटर यहाँ पे एग्जांपल लिया है, और यहाँ पे क्या किया है, प्लग गेज का एग्जाम्पल लिया है, और यहाँ पर स्नैप गेज का एग्जाम्पल लिया है। प्लग गेज किस लिए चीज़ के लिए यूज़ होता है, अगर किसी कंपोनेंट में आपके कंसिडर करिए ये कंपोनेंट है आपका और ये कंपोनेंट में आपका होल है, उसके चेकिंग के लिए ये गो साइज़ और नो गो साइज़ का यूज़ होता है। डायल इंडिकेटर का कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप हाइट मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ठीक है हाइट मेजरमेंट के लिए। तो कंपैरेटर बेसिकली क्या होता है, कंपैरेटर बेसिकली एक टेक स्मॉल वेरिएशन इन योर जॉब, मैग्नीफाई इट एंड डिस्प्ले ऑन सम सूटेबल इंडिकेटिंग डिवाइस। ये कंपैरेटर का बेसिक काम है। और इसका काम क्या है कि ये गो अंदर जाना चाहिए जॉब में और नो गो नहीं जाना चाहिए, बस इतना ही कंसेप्ट है। अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है, कंपैरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल वो क्या करता है कि आपका जो जॉब है उसको क्या करता है, आपका जो स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपेयर करता है और वो आपके स्टैंडर्ड से कितना डिविएट हुआ है वो दिखाता है। अगर इसको ये समझो, कंसिडर करते हैं, यहाँ पर क्या किया मैंने, एक ऐसा स्टैंड है और स्टैंड के नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लिप गेज रखी, मैंने 50 mm का स्लिप गेज वहाँ पे इंसर्ट किया और इसको क्या किया, ये पॉइंटर को 0-0 पे सेट किया है। अभी ये मैंने स्लिप गेज रिमूव किया है, यहाँ से रिमूव करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्क पीस इंसर्ट किया। वर्क पीस इंसर्ट करने के बाद कंसिडर करो वर्क पीस 50.1 का है, तो ये क्या करेगा, आपका पॉइंटर 1 पे चला जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि आपका जो वर्क पीस है वो आपके स्टैंडर्ड से कितना डेविएटेड है, 0.1 से डेविएटेड है। तो इट एक्चुअली कंपेयर्स विथ योर वर्किंग स्टैंडर्ड एंड शो योर हाउ इट डेविएट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड। अभी यहाँ पे क्या है, गेजेस में क्या है, कंसिडर करो ये वर्क पीस है और ये मेरा गेज है। मैंने क्या किया, यहाँ पे गो इंसर्ट करूँगा, अगर गो जाता है ठीक है और नो गो नहीं जाता है तो मैं क्या कहूँगा, ये जो मेरा वर्क पीस है ये क्या है, ओके है। मतलब मुझे रीडिंग पता चल रही है क्या, नहीं, मुझे इतना पता चल रहा है कि वेदर दिस जॉब इज लाइज विद इन माई कंट्रोल लिमिट्स, अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है या नहीं है, मतलब जॉब ओके या नॉट ओके, बस इतना ही पता चल रहा है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। बाद में फिर सेकंड क्या है, मैग्नीफिकेशन। कंपैरेटर का जो सेकंड स्टेप है आपका, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इट डिटेक्ट स्मॉल वेरिएशन इन योर जॉब मैग्नीफाइड, वो क्या करता है, छोटा से छोटा आपका जो भी डायमेंशन में वेरिएशन होगा उसको क्या करता है, वो मैग्नीफाई करता है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन है, यहाँ पे कुछ मैग्नीफिकेशन है क्या, नहीं है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन। फिर उसके बाद इंडिकेटिंग डिवाइस, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक आपको पॉइंटर है, वो पॉइंटर क्या कर रहा है, आपको शो कर रहा है कुछ तो, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ इंडिकेटिंग डिवाइस है, नहीं है, मतलब यहाँ पे इंडिकेटिंग डिवाइस का है यहाँ पे नहीं है। ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स, अभी यहाँ पे कैसे है, आप डायल इंडिकेटर खाली यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसके साथ डायल स्टैंड वगैरह यूज़ करना पड़ता है। मतलब वी नीड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट इन कंपैरेटर, बट इन दिस केस वी डोंट नीड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी, अभी डायल इंडिकेटर के केस में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे कंपैरेटर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है। सोलेक्स अगर आप लेते हो न्यूमेटिक कंपैरेटर तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो समटाइम इन कंपैरेटर देर माइट बी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है, ठीक। उसके बाद कॉस्ट, ऑब्वियस है आपको अगर मैग्नीफिकेशन का मैकेनिज्म डेवलप करना है तो आपको कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगा। कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पे मोर होता है, ठीक, यहाँ पे लेस कॉस्ट है। अभी इसका कॉस्ट क्यों लेस होता है, क्योंकि आप इसको शॉप फ्लोर के लिए मैन्युफैक्चर करते हो, जो पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए, ठीक है। यूज़ या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, वर्साटाइल मतलब क्या, अभी ये जो डायल इंडिकेटर है आप 50 mm के लिए सेट किया है
उसको आप 30 mm के लिए भी सेट कर सकते हो, 10 mm के लिए भी सेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कंसिडर करो ये जो जॉब साइज़ है, ये 24 प्लस माइनस 0.1 का जॉब साइज़ है, उसके लिए मैंने क्या किया, ये प्लग गेज बनाया है या मैन्युफैक्चर किया है। अगर मेरा ये जो होल है, कुछ डिज़ाइन की चेंजेस की वजह से मेरा ये होल 30 mm का हो गया, तो मुझे ये प्लग गेज मैं यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, मुझे ये प्लग गेज मेरे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये ऐसे टोटल, ये टोटल डिफरेंस था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।